सवाल हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया हुआ बोर मॉडल पे, तो स्टार्ट करते हैं बोर मॉडल के क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम जेड इक्वल थ्री से ट्रांजिशन करता है फिफ्थ टू फोर्थ में एंड देन फोर्थ टू थर्ड, पहले फिफ्थ से फोर्थ में करता है और फिर फोर्थ से थ्री में करता है। द रिजल्टिंग रेडिएशन आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन मेटल सर्फेस, एक मेटल सर्फेस के ऊपर रेडिएशन डाला जाता है। द रिजल्टिंग रेडिएशन आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन मेटल प्लेट इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाई शॉर्टर वेवलेंथ, छोटे वेवलेंथ के कारण जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है इज 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोल रहा है वर्क फंक्शन बताओ और स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ, आंसर तुम्हें दिया होगा। तुम्हें अगर पता होगा कि शॉर्टर वेवलेंथ मतलब एनर्जी का गैप ज्यादा, शॉर्टर वेवलेंथ मतलब एससी अपॉन लेमडा, अगर वो शॉर्टर वेवलेंथ की बात कर रहा है यानी कि वो एनर्जी के गैप ज्यादा की बात कर रहा है। अब दो तरह का यहाँ ट्रांजिशन हुआ है, एक हुआ है फाइव से फोर में और एक फोर से थ्री में, एक फाइव से फोर, बताओ किसमें एनर्जी का गैप ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ डेल्टा ई वन बोलते हैं, यहाँ डेल्टा ई टू बोलते हैं। जब वो फाइव से फोर में जाएगा तो एनर्जी का गैप कम होगा, जब वो फोर से थ्री में जाएगा तो एनर्जी का गैप ज्यादा होगा कंपेरेटिवली टू यहाँ से। आ रही है बात समझ में? तो अपन चलो डेल्टा, अगर तुम्हें ऐसे नहीं आ रही समझ में कि भाई ये एनर्जी गैप कम क्यों होगा ये ज्यादा क्यों होगा, तुम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन से इमेजिन कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलूं कि डेल्टा ई वन की बात करें, डेल्टा ई वन क्या हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर 1/(n1)² -(n2)² कहाँ से कूद रहा है, फाइव से कूद रहा है, 1/25 -1/16। इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा -13, माइनस माइनस बाहर प्लस ले तो यह आ गया 13.6 × 9, ऊपर में आ गया 25 -16 और 25 -16 कितना होगा, तो आई गेस वो 9 ही होगा अपॉन 25 × 16। ये मेरा कुछ कैलकुलेशन बेस में आ गया पहला। सिमिलरली अपन अगर डेल्टा ई टू निकाले तो ये भी आ जाएगा -13.6 × 9 1/16 -1/9 और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.6 × 9 × 16 में से 9 गया तो ऊपर में तो आ गया 7 और नीचे में आ गया 16 × 9। ध्यान रखना बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत टफ नहीं है। हमने डेल्टा ई1 निकाल लिया, हमने डेल्टा ई2 निकाल लिया, हमने दो चीजें निकाल ली, एक तो डेल्टा ई1 निकाल लिया, डेल्टा ई2। तुम देखो तो ये 13.6 × 9 ये तो कॉमन है, ये है 9/400 है और ये क्या, ये 7/96। ऑब्वियस सी बात है ये टर्म जो होगा, ये टर्म क्या होगा बड़ा होगा और ये टर्म क्या होगा छोटा होगा, ये बड़ा होगा छोटा होगा, यानी डेल्टा ई2 मेरा बड़ा है, डेल्टा ई2 मेरा बड़ा है तो एनर्जी बड़ा तो लेमडा छोटा, क्योंकि एससी अपॉन लेमडा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एससी अपॉन लेमडा, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि लेमडा 2 जो होगा वो छोटा होगा इन कंपैरिजन टू लेमडा 1। पहली बात तो ये लेमडा 2 छोटा होगा तभी तो ई बड़ा है, एनर्जी बड़ी है, इसका लेमडा बड़ा है तो एनर्जी छोटी है, तो ये अपने को पता चल गया। यानी कि जब वो शॉर्टर वेवलेंथ में डेल्टा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, वो सेकेंड वाले एक्सप्रेशन की बात कर रहा है कि सेकेंड वाले एनर्जी के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 3.9 वोल्ट है। इससे मैं वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे, मुझे पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो दिया हुआ है अगर मैं इस पोटेंशियल को ई से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं के ई मैक्स होता है, इसको ई से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सा ऐसे ही होता है कि के ई मैक्स जो होगा वो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मुझे पता चल गई। अब एक बार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता चल गई तो मेरा काम हो गया, 3.95 इज इक्वल्स टू एससी अपॉन लैम्डा, यानी कि डेल्टा ई, डेल्टा ई छोटे वाले के लिए कितना है वो ये है ना, डेल्टा ई छोटे वाले कितना है वो ये है। जैसे तुम कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 13.6 × 9/7 = 63, कुछ काट पीट करो, जैसे तुम काट पीट करोगे तो जैसे ये आ जाएगा 7/16, तो चलो ठीक है अपन कैलकुलेशन बेस तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं, 7/16 ये आ गया मेरा क्या एससी अपॉन लेमडा -5, दैट इज वर्क फंक्शन। जैसे तुम इसको लेके आओगे वर्क फंक्शन विल बी 13.6 × 7/16 -3.95, दिस विल बी द वर्क फंक्शन। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा वर्क फंक्शन होगा जो अपन ने पहले पार्ट का यूज करके वर्क फंक्शन निकाल लिया। अब दूसरे पार्ट में क्या है कि जब लॉन्गर वेवलेंथ डाला जाएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ, यानी कि अब लॉन्गर वेवलेंथ डाला जाएगा तो अपने को काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, यानी कि के ई टू जो होगा मेरा, जो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए के ई टू होगा,
तो जो काइनेटिक एनर्जी 2 की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी 2 का मतलब क्या है कि यार पहले वाले पहले वाले मेथड से अपने आप फाई निकल गया, फाई बोले तो वर्क फंक्शन निकल गया। अब उस वर्क फंक्शन का अपन यूज करेंगे सेकेंड पार्ट में, जिसमें अपने को बोला है कि सेकेंड पार्ट में जब मेरा लेमडा मैक्सिमम होगा यानी कि बड़ा वाला लेमडा होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी। तो अपन ने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी 2 दैट विल बी इक्वल्स टू, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी 2 सेकेंड वाले केस के लिए वो होगा सेकेंड वाले केस का डेल्टा ई जो कि कम है। डेल्टा ई1 की बात करो, डेल्टा ई1 अपन निकाल चुके, डेल्टा ई1 कितना निकाले तो डेल्टा ई1 है 13.6 इंटू 81 अपॉन 400, ये होगा ना डेल्टा ई1 माइनस फाइव बोले तो पहले वाले पार्ट से निकालो और दूसरे वाले पार्ट में फाइव को डाल दो, तो ये मेरा आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जिसकी वैल्यू तुम निकालोगे तो आई गेस आंसर से मुझे जैसा लग रहा है कि 0.745 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ई को गाइब करना 0.754 वोल्टेज आ जाएगा इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। कैलकुलेशन बस चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आ रही बात समझ में। तो बिल्कुल सिंपली अपन ने पहले पार्ट से सेकंड पार्ट पे आ गए और यहाँ से के टू मैक्स निकाल के स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल ली। अगला सवाल देख रहा, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर इमिटेड बाय हाइड्रोजन इमिटेड टू nth एनर्जी लेवल। अब nth एनर्जी लेवल से अगर वो आ रहा है तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन इमिट कर रहा है, तो भाई देखो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन की अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं समझना चीजों को, जैसे मैंने बोला कि कोई यार n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 1 में कूद रहा है, कितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है फोटोन्स का, तो एक हो सकता है कि n से 4 से 1 में है, 4 से 2 में, 4 से 3 में, एक तो ये हो गया, ये पॉसिबिलिटी है, तीन तो ये हो गया, तीसरा हो गया कि 3 से 1 में आ जाए या 3 से 2 में आ जाए, और लास्टली क्या हो गया ये आ जाए। 12 गिनो, 1 2 3 4 5 एक तो है कि तुम गिन के पता कर सकते हो कि 4 से 1 में यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जो फोटो निकाल सकता है, ज्यादा नहीं। दूसरा क्या है, मैथ ने इसका एक फॉर्मूला दे दिया, अगर तुम मैथ के स्टूडेंट हो, चार चीजों में या एन चीजों में दो दो गैप चुनना है अपने को, दो लाइन चुनना है, एन लाइनों में एन स्टेट में अपने को दो स्टेट चुनना है, तो उसका चुनने का जो पीएनसी में होता है वो होता है NC2। नीट वालों को ध्यान नहीं देना है, नीट वालों के लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला दे दूंगा, मैथ वाले जान सकते हैं भाई एन में अपने को दो को सिलेक्ट करना है, तो टोटल फोटोन या नंबर ऑफ फोटोन बोल दो वो हो जाएगा NC2। NC2 क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इसको तुम लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहां से ये कट गया। तो तुम्हें डायरेक्टली नीट वालों के लिए मैं बता रहा हूं, डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है n इंटू n माइनस 1 बाई 2, यही है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड जब कोई n से 1 में आएगा, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। अब देखो इस फॉर्मूला का मैं यूज करके दिखाता हूं, यहां पे 4 से 1 में आ रहा है, कहां से आ रहा है 4 से 1 में आ रहा है, n की वैल्यू 4 डालो तो कैपिटल n इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6। देखो गिन के भी 6 आ रहा है, मैंने बोला 5 से 1 में आ रहा है तो n विल बी 5 इंटू 5 माइनस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10, तो सब से तुम निकाल सकते हो कितने से कितना आ रहा है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट करता है, वो ट्विस्ट क्या करता है समझना, आईआईटी में भी इसमें सवाल आ चुका है, ट्विस्ट ये करेगा वो बोलेगा यार n इज इक्वल टू 1 है 2 है 3 है 4 है, वो बोलेगा मुझे 4 से 2 में ही कूदाना है, तो बताओ कितना लाइन पॉसिबल है 4 से 2 1 नहीं 4 से 2 में ही कूदाना है, तो मैक्सिमम कितनी लाइन पॉसिबल है, 1 पे तो कोई आ ही नहीं रहा है ऐसा बोल दिया, तो ये फॉर्मूला फेल कर जाएगा। बट अपन एक जुगाड़ मेथड से इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं, अगर वो 4 से 2 में आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए अगर अपन 2 को 1 एज्यूम कर ले, थोड़ी देर के लिए अपन अगर 2 को 1 एज्यूम कर ले तो यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि 3 से 1 इनडायरेक्टली वो 3 से 1 में कूदने वाला है, तो स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड विल बी 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। अगर वो बोले कि यार 5 से 2 में आना है तो 2 को 1 एज्यूम करोगे तो 5 को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, 5 को 4 एज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि 4 से 1 में आ रहा है तो 4 से 1 में कितना आता है तो 4 इंटू 4 माइनस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6 जो अपन ने निकाला है, यानी कि 5 से 2 में आना और 4 से 1 में आना एक ही बात तो है क्योंकि सेम लाइंस मिलेंगी, तो इस तरीके से अपन जुगाड़ से ये कर सकते हैं। बहुत सिंपल था क्वेश्चन था, आगे अपन और भी क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर, फिलहाल तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।